अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाइमेट चेंज का उल्लेख किया, इसमें संदेह नहीं। इस सच्चाई को हम रोज जी रहे हैं। सूखती नदियां और मौसम की अनिश्चितता हमारे किसानों को प्रभावित कर रही है। पिघलते हिमखंड और समुद्र का बढ़ता स्तर मालदीव जैसे देशों के लिए अस्तित्व का खतरा बन गए हैं। कोरल द्वीपों और समुद्र से जुड़ी आजीविका पर पॉल्यूशन कहर बरपा रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने समुद्र की गहराई में विश्व की पहली कैबिनेट बैठक करके इन खतरों की ओर संसार का ध्यान खींचा था, उसे कौन भूल सकता। मालदीव ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और कई पहल की। मुझे खुशी है कि मालदीव इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ। भारत की संयुक्त पहल ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए दुनिया के देशों को एक व्यावहारिक मंच प्रदान किया है। क्लाइमेट चेंज के कई परिणामों का समाधान रिन्यूएबल एनर्जी के सशक्त विकल्प से मुमकिन है। सन 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत के लक्ष्य और उसे हासिल करने में हुई आशातीत प्रगति से ये सम्मानीय सदन भली प्रकार से परिचित है। और अब भारत के सहयोग से माले की सड़कें 2500 एलईडी स्ट्रीट लाइट के दूधिया प्रकाश में नहा रही और 2 लाख एलईडी बल्ब मालदीव वासियों के घरों और दुकानों को जगमगाने के लिए आ चुके हैं। इनसे बिजली बचेगी और खर्च भी, और ये पर्यावरण के अनुकूल भी रहेंगे। पर्यावरण के संबंध में छोटे द्वीपों की भारत ने विशेष चिंता की। उनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए हमने सहयोग ही नहीं किया, बल्कि दुनिया के तमाम मंचों पर आवाज भी उठाई। लेकिन सम्मिलित प्रयास और बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से यह समस्या हल हो जाएगी, तो यह सही नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का प्रतिकार मूल्यों में, सोच में, जीवन शैली में और समाज में बदलाव के बिना संभव नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में माना गया कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी या। अगर हम पृथ्वी को अपनी माता मानेंगे तो हम उसका सम्मान और संरक्षण ही करेंगे, नुकसान कभी नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि यह पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। हमें इसके स्वामी नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं।